YouTube पेमेंट कितनी आती है और कितना कमाते हो आप YouTube से? पद का आपकी शादी कब है? तो मेरी शादी कब है रचली, कब आओगे? तो मुझे लग रहा है ये मेरे क्या सोच के YouTube बनाना शुरू किया था। इनका क्वेश्चन है, इंस्टा भी चलाते हो क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस यूट्यूब पेमेंट के लिए। मुझे लोगों ने इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट करे थे, पहली यूट्यूब पेमेंट का क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुपावारी गोतिंचा ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों दिन के 12 बजे से हो रही है। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और कमेंट में बहुत सारे लोग मैसेज करके क्वेश्चनिंग में और कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे और टाइम नहीं मिलता है रिप्लाई करने का, इस वजह से आज क्यों ना ब्लॉग। और चलो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना क्यों ना ब्लॉग। तो दोस्तों मेरे पास दूसरा फ़ोन तो नहीं है, इसीलिए मैंने एक कॉपी में सारे क्वेश्चनों को नोट कर लिया है। अब मैं इसे एक एक करके क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अरुण बिष्ट जी का कि नो क्वेश्चन, यू एंजॉय योर बेस्ट लाइफ, तो थैंक यू सो मच। और दूसरा है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, आपकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, तो थैंक यू सो मच आपका। तो तीसरा क्वेश्चन है ताकेश्वर सिंह ठाकुर का, तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। अब चौथा क्वेश्चन है कार्तिक चौहान का कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दी प्लीज, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज FB पे भेजा था। FB पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना लिंक में, वो उसमें हमारी जीमेल ID लॉगिन नहीं है मेरी, तो वहाँ से हो नहीं रहा। आप अपना चैनल का नाम बता देना तो मैं सब्सक्राइब कर दूंगी। और अब पांचवा क्वेश्चन है हरीश रावत, वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बता दिया पहले ही, आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। तो अगला क्वेश्चन है कविता दीप पांडे का कि बहुत अच्छा लगा तनु जी आपके ब्लॉग देखकर, एक बहू की जरूरत थी हमको, कोई लड़की हो तो बताना, तुम्हारे गढ़वाल में बहुत लड़कियां हैं, हम लोग कुमावत के हैं। तो मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूँगी। सबसे पहले तो थैंक यू आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे उसके लिए। और बहू, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे इधर खुद ही लड़कियों की कमी हो गई, तो मैं क्या ही बताऊँ, इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संजू का, किसकी शादी है? तो वो मैंने शायद शादी वाली फ़ोटो लगाई थी, तो उस टाइम मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो उस टाइम की है। नेक्स्ट वो आया था तेजपाल सिंह, बहुत सुंदर तनु जी, तो धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है निशा ललित का, तुम लोग ब्लॉग कैसे बनाते हो? तो हम फ़ोन उठाते हैं और ऐसे करते हैं और बोलते हैं हेलो गाइस कैसे हो आप ऐसे करके। तो अगर आपको भी ब्लॉग बनाना है तो बहुत सारे टेक चैनल बने हुए हैं इस बारे में, तो आप वहां जाके आराम से सीख सकते हैं कि कैसे आपको ब्लॉगिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र महर का, सो क्यूट, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट है सौरभ कुमार, बहन हमको भी यूट्यूब चैनल सिखा दो प्लीज़। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल कैसे मतलब बनाते हैं और कैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, अगर आपको ये सब जानना है तो आप कोई भी टेक चैनल देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आजकल तो इतने हर चीज़ में आपको टॉपिक के लिए चैनल मिल जाएगा, तो आप कोई भी टेक चैनल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीडियो बनानी है और कैसे कैसे करना है, और वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बहुत टाइम लगा है दोस्तों देखो इतना लिखने में, और इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, दो फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, तब भी देखो मैंने इतना लिख के और फिर आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखबीर खरोला जी का, माई सिस्टर, तो थैंक यू। और फिर है हरीश कोरांग, हाउ आर यू, सो आई एम गुड। फिर नेक्स्ट है ब्रांडेड कमीना नाम बहुत यूनिक है, और इनका क्वेश्चन है इंस्टा भी चलाते हो क्या? तो जी हाँ, मेरी इंस्टा ID तनु पवार से ही है, और इसलिए वहाँ भी मुझे फॉलो जरूर करें इंस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमा सजवान का, वेरी नाइस भुली, तो थैंक यू दीदी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देव डी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूट्यूब पेमेंट के लिए, तो हाँ इसका तो मैं ज़रूर आंसर देना चाहूँगी कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ गई है, तो इस वीडियो में ना मुझे लोगों ने इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट करे थे, तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने सबको पर्सनली मैंने थैंक यू भी बोला है, और थैंक यू केवल इसलिए बोला कि चलो वो बधाई दे रहे तो थैंक यू लेने में क्या ही है, किस मतलब जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी ना, तो
उन लोगों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और बोला बस नॉर्मली ये बोला कि अच्छी बना रखी है। जिन्होंने पूरी नहीं देखी होगी उन्होंने ढेर सारे कमेंट कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मैंने ना इस चीज़ से एक बात ज़रूर सीखी है कि हम लोग क्या करते हैं, आधा देखते हैं आधा सुनते हैं और उसी में ही रिएक्ट कर देते हैं। हमारी जो रियल लाइफ होती है ना उसमें भी हम शायद ऐसे ही करते हैं, बट जो उसका मेन लास्ट में जो वो था ना, जो मेन मुद्दा था, वो तो किसी ने देखा ही नहीं कि लास्ट में उसमें क्या हुआ था उस वीडियो में। और यही हमारे लिए लाइफ में भी होती है, हम कुछ सोचते समझते नहीं है और एकदम से उस चीज़ में रिएक्ट कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए ही हानिकारक होती है। इसलिए जब तक किसी भी चीज़ में आप पूरा उस चीज़ को जानो ना समझो ना, इसीलिए तब तक उसमें कभी भी कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए आगे। पर फिर भी आपने मुझे बधाई दी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कभी ना कभी तो आएगी पेमेंट। तो आगे मैसेज आगे कहा है संदेश कुमार जी का, तो इन्होंने बोला है आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो आंसू वाला। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सच ही बोलो मेरे आंसू नहीं आते हैं, मतलब आते हैं बट ऐसे नहीं आते कि मैं वीडियो बना रही तो आंसू आ जाए। इसलिए मुझे ना पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है जब मुझे आंसू वाला मतलब कुछ कॉमेडी वीडियो बनानी हो तो पानी डालना पड़ता है आंखों में, तभी हो पाता है। बस यही वो कहना चाहती हूँ इसमें। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्की पवन शर्मा जी का, राम राम जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो जी आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, धन्यवाद। तो नेक्स्ट है भगवान सिंह खत्री, बधाई, इन्होंने भी बधाई दी है। तो पहले ही बता चुकी हूँ कि किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं लोग, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी वर्मा का, आप यूके से कहाँ से, मतलब उत्तराखंड कहाँ से हो। तो मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल पट्टी पैडुंसी की रहने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकी नेगी का, क्या सोच के यूट्यूब बनाना शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी। मुझे ना पहले से ही एक्टिंग करना वीडियो बनाना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा था कि वीडियो बनाऊँगी, मतलब पैसा कमाने का तो हर किसी का ही रहता है, चलो कोई कोई नहीं होगा जिसको नहीं होगा। एक पॉइंट वो भी था कि वीडियो भी बनानी है और पैसा भी कमाना है, बट जो मेन ये था कि अपने इसमें देखो हमारा कल्चर भी प्रमोट हो जा रहा है ना, जो हमारे जो हम लोगों को अच्छा लगता है वीडियो बनाना एक्टिंग करना, वो इस ब्लॉग के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं और किसी को खुशी देने, मतलब किसी को हम खुशी दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यही सोच के मैंने ये भी यूट्यूब शुरू किया था और देखते हैं आगे कैसा कैसा रहता है मेरा सफ़र। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुस्कान कुमारी का, शादी आपका है। तो शायद वो शादी वाली फ़ोटो थी इसलिए उसमें ही पूछ रहे थे, तो नहीं वो मेरी शादी नहीं थी, वो मेरी फ्रेंड की शादी हो रही थी उसमें। और अगला क्वेश्चन है कपिल कश्यप का, कहाँ से हो आप। तो बता दिया जैसे कि मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील सिंह रावत, वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच। इसमें मम्मी का कॉल आ गया था, मम्मी कहीं जा रखी है, तो चलो अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अगला है शुभम गुज्जर का, हाय हाय हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रावत का, ये भरत रावत रहा होगा, इंस्टा पर फॉलो बैक कर दो यार। तो आजकल इंस्टाग्राम चलाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, बट जब भी प्रॉपरली चलाऊंगी तो फॉलो बैक जरूर कर दूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश पहाड़ी, नाइस, तो थैंक यू। नेक्स्ट है मीनाक्षी चौहान रावत का, पहली यूट्यूब पेमेंट का क्या करोगे। तो मैं क्या करूँगी, हाँ मैं पहले यूट्यूब पेमेंट से, तो सबसे पहले हमारे यहाँ माना जाता है जब भी कुछ पहली पेमेंट होती है या कुछ भी शुभ कार्य होता है तो वो भेंट हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनको चढ़ाई जाती है। तो उनमें से कुछ पैसे मैं अपने जो कुल देवी देवता है हमारे यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाऊंगी, और जो कुछ पैसे आएंगे अगर आएंगे कभी तो वो पैसे मैं कुछ अपने मम्मी लोगों को दे दूंगी, क्योंकि वो भी हमारे भगवान समानी हैं, इसीलिए आधे पैसे मम्मी लोगों के लिए। बस यही करूँगी पहले पेमेंट का, और जो लोग मेरे साथ वीडियो बनाते हैं ना उनको थोड़ा पार्टी करा दूँगी, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ हेल्प की है तो उनका तो पार्टी कराना बनता है तब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश पवार जी का, तो इनका क्वेश्चन है आपकी स्टडी हो गई क्या। तो जी मेरी स्टडी अभी नहीं हुई है, अभी मेरी स्टडी चली रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एडी वर्मा का ही, यूट्यूब चैनल बता दो। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है तन्नू पवार 1 2 3 4 ब्लॉग्स। और नेक्स्ट है अशोक कुमार, कहाँ से हैं आप। तो मैंने पहले जैसे कि बता ही दिया मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। फिर नेक्स्ट है रेखा राणा हिमांचली गर्ल, आपकी यूट्यूब आईडी क्या है। तो ये मुझे फेसबुक से कुछ फेसबुक के हैं ये, तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है तन्नू पवार 1 2 3 4 ब्लॉग्स। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आते ही आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट है दीन सिंह पवार का, हाय, तो हाय।
फिर है सूरज, नहीं सॉरी था, और ये है रचली कब आओगे। तो मुझे लग रहा है ये मेरी बुआ का बेटा है, तो जी रचली बहुत जल्दी आएंगे कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन रावत का, आपकी शादी कब है। तो मेरी शादी कब है इसके बारे में मैं कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, और क्योंकि शादी से रिलेटेड जो मेरे ब्लॉग बनेंगे वो अलग ही बनेंगे, इसमें तो मैं बताऊंगी नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी सोनी का, आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आती है और कितना कमाते हो आप यूट्यूब से। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि मैं अभी यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाती हूँ, और बिल्कुल भी नहीं कमाती, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। अभी आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए और आप लोगों की दुआ चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। क्या पता मेरा चैनल सच में ही मोनेटाइज हो जाए और मैं पैसे कमाने लग जाऊं, और जब कमाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी कि कितना कमाती हूं। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कमाती, यही थी मेरी यूट्यूब पेमेंट। बस दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हो गए। वैसे मैसेज बहुत आ रखे थे, नाइस, तो इनका तो जिन्होंने भी भेजा था उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझे यही कि आप कहाँ से हो, और सबका नाम नहीं लिखा है मैंने, कुछ जो ऊपर मैसेज दिखे थे उनका ही नाम लिखा है, बस इतना ही। और धन्यवाद दगड़ियों, उम्मीद करते हाँ आपने हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगी वालू, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल मिलेंगे नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। अपनो ध्यान रखण, उन फूल नहीं जान, आजकल बर्फ टाइम लगी हुई ढंग से चलिया, जिससे मैं तरह टंगड़ो टूट जा लूँ तो मैं जिम्मेदार नहीं छू, ठीक है, तब ठीक था, बाय।